भारत और चीन की सेनाएं इस समय लद्दाख में पेंगोंगशो में और गलवान नाले में आमने सामने हैं। खासी तनाव की स्थिति है। एक ऐसी ही तनाव की स्थिति 2017 में डोकलाम में भी हुई थी, जहां भारत ने चीन को दी थी मात 73 दिनों के बाद। क्या है उसकी कहानी? इस समय हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा, पूर्व आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। 73 दिनों के बाद भारत ने चीन को मात दी थी डोकलाम में, आखिर वो विवाद शुरू कैसे हुआ? डोकलाम का जो विवाद है, इसके बारे में काफी कुछ ऑलरेडी लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, तो इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा कि ये चाइना का जो ट्राई जंक्शन है, जो वो जिस तरह से वो भूटान, इंडिया और चाइना का एक कॉमन मीटिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन, वो ट्राई जंक्शन को लेकर के है। क्योंकि 2017 में उनका क्लेम ये था कि जो ट्राई जंक्शन है वो गैमोचिन में है, और गैमोचिन काफ़ी नीचे आ रहा है, काफ़ी साउथ में पड़ता है, तो सारा विवाद एक्चुअली इसी को लेकर के है। बट एक बात आज मैं आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो चाइना क्लेम कर रही है कि गैमोचिन में वो ट्राई जंक्शन है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कि इनका ये जो क्लेम है ये कई बार चेंज हो चुका है। पहले इनका क्लेम था कि बटांगला में है ट्राई जंक्शन, फिर बीच में इन्होंने चेंज किया कि ये गैमोचिन में है, फिर चेंज किया दोकाला में है, फिर फाइनली 2017 में वो गैमोचिन बोलते हुए वो अंदर आ गए। तो वो भूटान के क्षेत्र में आ गए और उन्होंने वहां पर सड़क बनाने का प्रयास किया, वो अपने बुलडोजर भी ले आए ऐसा कहा गया। भारतीय सेना भूटान के अंदर गई और वहां पर उन्होंने बुलडोजर की चाबी ले ली और उनका काम रोक दिया। ये क्या सोच के किया भारतीय सेना ने? पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो इलाका है ये डिस्प्यूटेड इलाका है चाइना और भूटान के बीच में, और इस इलाके में उनकी पेट्रोल आती जाती रही है, ये आम बात थी, उनकी पेट्रोल का आना आम बात था। लेकिन धीरे धीरे ये एक्टिविटी बढ़ती गई, और ये जब उनकी पेट्रोल आती थी तो ये हमारे बॉर्डर से दूर ही रहते थे, ये पास नहीं आते थे। बट अचानक ही मई के महीने में इनकी एक पेट्रोल हमारे बॉर्डर तक आ गई, और बॉर्डर पर आकर के इन्होंने हमारे ट्रुप्स के साथ कुछ बदतमीजी की और बोला कि एक बंकर है उसको तोड़ दो। बस विवाद वहीं से शुरू हुआ। फिर अगले दिन हमारा फ्लैग मीटिंग हुआ, उनसे बातचीत हुई और हमने बोला कि कोई स्टेटस को चेंज नहीं करना है, और इस इलाके में आप आते नहीं हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, आप जो इलाके में जहां तक आप जाते हैं वहीं तक रहिए, सीमित रहिए। इतना हमने कहा। फिर अगले दिन हमने देखा कि ये बातचीत के बावजूद भी वो अपनी बड़ी सेना लेकर के आए और एक बंकर को उन्होंने तोड़ दिया, और उसके बाद फिर वो JCB डोजर सब कुछ लेकर के आ गए और रोड को आगे वो खींचना शुरू कर दिया। एक जगह है जिसको हम बोलते हैं तोरसा नाला, सुना होगा आपने जी। तोरसा नाला का सिग्निफिकेंस ये है कि तोरसा नाला अगर वो पार कर गए तो उसके बाद वो जामफेरी रिज में पहुंच जाते हैं, और जामफेरी रिज इसलिए क्रूशियल है क्योंकि अगर वो जामफेरी रिज पर आ गए तो हमारा चिकन स्नेक और सिलीगुड़ी का इलाका वल्नरेबल है। जामफेरी रिज भूटान में है, तो उनका क्लेम ये था कि चूंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो जामफेरी रिज भी उनका ही हिस्सा है, और इसलिए जामफेरी रिज पर आने से उनको कोई रोक नहीं सकता है। हमारा कहना यह था कि जब आप तोरसा नाला तक ही पेट्रोलिंग करते थे तो आप उसी स्टेटस को बना करके रखिए जब तक ये बातचीत से सुलझाया नहीं जाता है कि ट्राई जंक्शन कहाँ पर है। बट इस बात को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, रोड को आगे बढ़ाने की कोशिश की और पेट्रोल भेज करके तोरसा नाला क्रॉस करने की कोशिश की। उस समय फिर हमने कहा कि अब समय आ गया है कि अब हमको फिजिकली इंटरवीन करना पड़ेगा, और इसीलिए हमारी सेना ने उस समय जो हमारी बॉर्डर थी भूटान के साथ उसको क्रॉस करके हम पूरी स्ट्रेंथ में गए और उनको हमने फिजिकली रोका। उनके डोजर को, उनके JCB को, जितने भी वो मशीनरी लेकर के आए थे उनको हमने काम करने से रोका, उनकी चाबियां ले ली हमने, उनके बैटरी हटा दिए, और फिर उसके बाद हम वहीं डट करके बैठ गए, और बाकी तो स्टोरी आपको पता है कि क्या हुआ उसके बाद। हम लोग उस समय ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के लिए गए थे, गैंगटॉक गए थे। इस इलाके में हम लोगों ने जाने का प्रयास किया था लेकिन ये सारा इलाका उस समय सिविलियन मूवमेंट के लिए पूरी तरह से बंद था। लेकिन ये अंदर की कहानी, उस समय भारत, भूटान और चीन की सीमा के पास क्या हुआ था, ये अंदर की कहानी पहली बार उजागर हो रही है आज। तो भारतीय सेना के जवान गए, उन्होंने उनके JCB और जो भी बिल्डिंग मटेरियल था बैटरीज निकाल ली, चाबी निकाल ली ताकि रोड कंस्ट्रक्शन ना हो पाए। इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया क्या, वो थोड़ा सा दिल मिला गए, बिकॉज उनको कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना अभी तक जो 1967 नाथुला के बाद बहुत तमीज के साथ, बहुत प्यार से उनसे आज तक बातचीत करती आई है,
बहुत बार इंट्रूजन्स हुआ है, बहुत बार फ्रिक्शंस हुए हैं, इस तरह के डिस्प्यूट्स हुए हैं, लेकिन हमेशा प्यार से और बातचीत से सुलझा है। लेकिन इस बार उनको उम्मीद नहीं था कि फिजिकली हमारी इंडियन आर्मी की ट्रूप्स भूटान अपनी इंडिया भूटान की बॉर्डर को पार करके आकर के उनको रोकेंगे, तो इसका उनको उम्मीद नहीं था। तो जब ये हुआ तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं कि वो सरप्राइज हो गए, टेकन अबैक हो गए थे। थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं, और ये बहुत पोलाइट मिलिट्री लैंग्वेज में जनरल साहब कह रहे हैं, चाइना ने भारत को धमकाना शुरू कर दिया, ये कहा कि 1962 के लेसन एक बार फिर भारत याद कर ले, और यही नहीं जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया चीन की सेना ने, उनके राजनयिकों ने। लेकिन आपका जवाब, भारतीय सेना का जवाब और डिप्लोमेसी का जवाब बहुत पोलाइट था लेकिन बहुत फर्म था। या बिल्कुल सही बोला आपने, हमने अपने डेकोरम को बना करके रखा लेकिन हम बहुत फर्म थे ग्राउंड पर, और हमने उनको ये बता दिया था कि आप कुछ भी कर लो इस लाइन के आगे हम आने नहीं देंगे, आपको तोरसा नाला तक हम नहीं आने देंगे, आपको यहाँ जितने दिन बैठना है बैठ जाओ, हम भी तैयार हैं कि बैठने के लिए, लेकिन हम इसके आगे नहीं आने देंगे। अगर आप इसके आने के आगे आने की कोशिश की तो शायद इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, जिसका मैसेज वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया। उनको ऐसे प्यार से मैसेज समझ नहीं आया, चाइना ने हमको धमकाने के लिए, और ये बात हमारे दर्शक भी जानते हैं, चाइना ने अपनी आर्मी मोबिलाइज करनी शुरू कर दी, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मीडिया में सोशल मीडिया पर उनके कुछ पिट्ठू हैं, उनके पिट्ठुओं के जरिए ये दिखाने का प्रयास किया कि उनके विमान भी आ रहे हैं, टैंक भी आ रहे हैं, और मोबिलाइजेशन भी शुरू हो गया। बिल्कुल सही बोला आपने, ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल शुरू किया था उन्होंने, ताकि ये बात चारों तरफ फैले और इसका एक डर पैदा हो, एक दिमाग पे एक प्रेशर पैदा हो। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया और हम वहाँ डटे रहे और उनको ये एहसास दिला दिया कि अगर कुछ भी होगा तो अब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अब शायद वो डेड बॉडीज़ के ऊपर से ही जाना पड़ेगा उनको। और उस समय जैन साहब आप वहाँ थे, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, और हमने देखा कि हमारा भी मूवमेंट होने लगा था, मतलब वो जो रोड टूरिस्टों को लेकर जाती थी गैंगटॉक और गैंगटॉक से आगे, उन रोड्स पर हमारी तोपें भी जाने लगी थी और आगे टैंक्स भी मूव कर गए थे। बिल्कुल सही बोला आपने, अगर आपको किसी को अपना इरादा दिखाना है तो सिर्फ इरादा बोलने से नहीं होता है ना, फिर काम करके भी दिखाना पड़ता है। तो कुछ हरकतें हमको करनी पड़ी थी ताकि उनको ये एहसास होने लगे कि जो हम बोल रहे हैं हम उसको मीन भी करते हैं। और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि अब ये डटे हैं तो शायद उनमें इतनी तैयारी नहीं थी या इस हद तक उस बात को वो खींचना नहीं चाहते थे कि सिचुएशन हाथ से निकल जाए, तो फाइनली वो निगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए और फाइनली वो उस इलाके को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। आज वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ अब ये कहा जा रहा है कि उस समय हमारी टैक्टिकल विक्ट्री हुई, हमने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट तो मेक किया, लेकिन चाइना ने वहाँ सड़कें बना ली हैं। देखिए, फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि सड़कें पहले से भी थी वहाँ पर, क्योंकि इनकी पेट्रोल साथी रहती थी। ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है, 1890 से चल रहा है ये डिस्प्यूट। उस इलाके का परसेप्शन डिफरेंस कि ये चाइना का हिस्सा है, तो इसलिए उनकी पेट्रोल आती रहती थी हमेशा। लेकिन वहाँ पर कोई परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं होता था उनका उस तरह का, टेम्प्रेरी कैंप्स लगते थे, पेट्रोल करते थे, चले जाते थे, और एक एरिया है जिसको हम वहाँ पर पार्किंग एरिया बोलते हैं, उसके आगे नहीं आते थे और हमारे बॉर्डर के आसपास कहीं भी नहीं आते थे, दूरी रहते थे वो। तो ये वाले इंसिडेंट के बाद भी वो वापस तो चले गए हैं, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग आती रहती है और वो अपने इलाके में सीमित है। अभी किसी ने बोला कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा है ये सब, तो सोशल मीडिया पे जो लोग ये सब चलाते हैं उनमें से कई लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या आपने जाके देखा है वहाँ पर ग्राउंड पे। चाइना कंस्ट्रक्शन जरूर करती है जहाँ भी जाती है किसी भी इलाके में, लेकिन ये सब उनका टेम्प्ररी स्ट्रक्चर्स होता है और वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सारे उनके टेम्प्ररी स्ट्रक्चर्स हैं। तो थोड़ी बहुत उनकी फौज वहाँ पर है जो कि पेट्रोलिंग कर रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और वो जो भारत की रेड लाइन है तोरसा नाला, तोरसा नाला के वो को पार नहीं कर रहे हैं और उससे उसी दूसरी तरफ ही है। नहीं, पार करना तो दूर, तोरसा नाला के अब नज़दीक भी नहीं आ रहे हैं वो अपने आप को तोरसा नाला से काफ़ी दूर सीमित उन्होंने कर रखा है। और इसकी जो लेटेस्ट जानकारी है वो तो जो ग्राउंड पे वहाँ पर है वही दे सकते हैं। जैन साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि डोकलाम को ये कहा गया कि भारत चीन के जो रिश्ते हैं उसमें एक टर्निंग पॉइंट है,
उसके बाद वुहान हुआ, वुहान समिट हुई, मामल्लापुरम समिट हुई, और कहा यह गया कि अब दोनों ही देशों के बीच रिश्ते और सुधर जाएंगे। 2020 में तो ये कहा गया कि अब 75 वर्ष के संबंध है तो और भी मजबूत होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं वो गलवान वैली में भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं, पेंगोंगसो में भी फिंगर फोर तक कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आ गए, और कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि वो परमानेंट डिफेंसेस वहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आपका आपका क्या आकलन है, हम इसको कैसे देखें? मैं तो सीधी बात कहूंगा कि अभी हाल में मैंने बात किया था एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का, जो कि चाइना बहुत अच्छे से फॉलो करती है इसको। इसमें वो हमेशा जिस किसी के साथ भी कोई किसी तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहे वो, तो वो हमेशा अपना फ़ायदा देखते हैं कि अपर हैंड उनको कैसे रहेगा, और इसके लिए वो कुछ ना कुछ लिवरेज वो क्रिएट करते रहते हैं। तो चूंकि अभी भी हमारे साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कि अभी WTO में आपको पता होगा कि फार्मर सब्सिडी लेकर के चाइना और इंडिया ने एक साथ केस फाइल करके और US के अगेंस्ट लड़ा और जीता, तो फिर तो वो हमारे दोस्त ही हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की हरकत होती रहती है, क्योंकि वो हमेशा अपने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत जो उनका प्रिंसिपल होता है उसके तहत वो कुछ ना कुछ जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हैं एक लिवरेज अपनाना चाहते हैं जिससे कि उनको कुछ अपर हैंड उनके रहे। लेकिन भारत के साथ संभवतः डोकलाम के बाद भी अब उनको पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ दूसरी तरफ भेड़ है, कि अगर वो वुल्फ है और यहाँ शीप है, अगर वो वुल्फ है तो यहाँ पर भी शेर है। पता तो चल ही गया था, लेकिन फिर भी अभी चाइना खुद काफ़ी कॉर्नर हो रखा है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जैसे हांगकांग का इशू हो या ताइवान का इशू हो या WHO का इशू हो, तो चाइना बुरी तरह से यहाँ पर अभी बैकफुट पर है, और वो नहीं चाहता है कि सारे देश मिलकर के उसके अगेंस्ट में कुछ बोलें। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर वो कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश करें, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ये सिचुएशन लद्दाख में हो रखा है तो ये सिचुएशन हमारे काबू के बाहर नहीं है, बहुत अच्छे से हमारे काबू में है। यहाँ का डोकलाम का सबसे बड़ा लेसन कोई ऐसा है, लेसन्स लर्न्ड, जैसे हम हर बैटल के बाद एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होती है और उससे लेसन्स ड्रॉ करते हैं, तो गलवान नाले के इलाके में या पेंगोंगसो में या हॉट स्प्रिंग्स में क्या क्या मैसेज है? वो हमारा लेसन जो डोकलाम से है उसी को हमको यहाँ पर अप्लाई करना होगा कि हमको बिल्कुल बैकफुट पर नहीं आना है, और अगर ज़रूरत हुई तो और ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉय करने की तो हमको करना पड़ेगा, और अगर मोबिलाइज करने की ज़रूरत हुई तो हमको करना पड़ेगा, और खाली यहाँ ही क्यों, और भी बहुत सारे इलाके हैं, और जहाँ जहाँ भी हमको मौका मिलता है हम कुछ कर सकते हैं। अगर ये मैसेज उनको चला गया, जो कि मुझे उम्मीद है कि शायद अभी तक चला गया होगा, क्योंकि अभी तो हाल की बात ही है 2017, 3 साल पहले, तो शायद कुछ नेगोशिएशन में आपको कुछ देखने को अभी मिल जाएगा। क्योंकि एक बात तो है कि वो जो 62 की मानसिकता थी वो 62 की मानसिकता 2020 में नहीं है, और 2021 में तो कतई नहीं होने वाली है। भारतीय सेना और भारत के लोग बहुत सशक्त हैं इस समय। ऐसा है क्या हम लोग हमेशा ये डिफेंसिव ऑपरेशन करेंगे कि अगर वो आने की कोशिश करें तो हम उनको रोकें और फिजिकली रोकने पड़े तो मिरर डिप्लॉयमेंट करें, या ऐसा भी है कि अगर वो कहीं हमारे इलाके में आ जाए तो हम कहीं उनके इलाके में चले जाएं और उसके बाद फिर निर्णय उनको करना है, ये नेगोशिएशन करना है कि क्या करना है? डिफेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने आप को हमेशा ही बचाते रहें और वेट करें कि आप हम पर हमला करो फिर हम अपने आप को बचाएंगे। अगर हमें मुझे शक हो गया है कि आप हम पर हमला करने वाले हो तो हम क्यों वेट करेंगे कि आप जब हमला करो तभी बचाएंगे, इससे पहले ही हम कुछ ऐसा कर दें कि आप हमला करने लायक हो। तो ये मैसेज उनको अगर अच्छी तरह से कन्वे हो जाए, जो कि इस बात को वो समझते भी हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो इस बात को बहुत दूर तक खींचने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो खींचेंगे। जल साहब आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा पूर्व आर्मी कमांडर हैं, ईस्टर्न कमांड के पूर्व आर्मी कमांडर, सेंट्रल कमांड और साउथ वेस्ट कमांड, एक बहुत रेयर डिस्टिंक्शन, आपने 3 आर्मी की कमांड्स कमांड की है। चांस की बात है कि मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस मिला वेस्टर्न साइड, सेंट्रल साइड और ईस्टर्न साइड तीनों देखने का। तो भारत के लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हताश होने की। मैं तो समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे इस तरह के एक्सपीरियंस मिला है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ना निराश होने की आवश्यकता है, ना हताश होने की आवश्यकता है, भारत मजबूत स्थिति में है। 2017 में भारत ये दिखा चुका है, 2020 में दिखा भी देगा, और
ये जो डिप्लोमेसी है भारत की, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिप्लोमेसी और जनता की शक्ति सब एक साथ मिलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करती रहेगी। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।